हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आज हम एक न्यू साइट पे आए हैं और इसका घेरी काट के वायरिंग करना है इस दुकान का। ओके, ये दुकान है और गोदाम है, हम आपको दिखाएंगे। इसमें घेरी काट के और पाइप फिटिंग करना है, उसके बाद वायरिंग करना है, सारा वायर खींचना है। तो आइए हम आपको दिखा दें, बैक कैमरा हो गया। देखिए ये हमारा सारा दुकान हो गया, आप देख सकते हैं। और इसमें झूरी काट के पाइप फिटिंग करना है। ये हम आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं कैसे क्या करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा 6-7 पाइप निकला हुआ है। यहाँ पे हम मेन बोर्ड देंगे, यहाँ पे 16 MCB बॉक्स लाए हैं, 16 MCB बॉक्स का फिटिंग करेंगे। आइए आपको हॉल में ले चलते हैं। हॉल में देखिए, ये हमारा हॉल हो गया। ये देखिए, ये झीरी काट के, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे दीवार कटिंग हो गया है। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक होल्डर देंगे जंक्शन, और वहाँ से डायरेक्ट नीचे लाए हैं झीरी काट के, यहाँ पे दीवार कटिंग काट के। और यहाँ पे हमारा 12 मॉडलर बोर्ड एक फिक्स हो गया है। ये हमारा 12 मॉडलर बोर्ड GI में, ऐसे हम इसको लगा देंगे, ऐसे झीरी कटिंग होता है। आगे हम आपको दिखाते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं, वहाँ पे हमारा 12 मॉडलर बोर्ड था, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, यहाँ पे एक जंक्शन लगेगा होल्डर, यहाँ पे एक बल्ब देंगे, इसके लिए थोड़ा सा कटिंग हुआ है। और देखिए ऐसे, देखिए ये चिज्जल और हैमर की सहायता से ये कैसे दीवार का कटिंग ग्राइंडर चल गया, कैसे इसको फोड़ रहे हैं, फोड़ के निकालेंगे, आपको दिखा सकते हैं। देखिए सावधानी पूर्वक ये काम करना है, देखिए कितने सावधानी से निकाल रहे हैं इसको, छेनी और हथौड़े के मदद से इसको ये निकाल देंगे। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्राइंडर चल गया है, पहले ग्राइंडर मार दिया गया, ग्राइंडर से दीवार को कटिंग कर दिया गया, उसके बाद सिज्जल और हैमर की सहायता से इसको ये फोड़ देंगे और इसको फ्रेश कर देंगे, कटिंग का फ्रेश निकाल देंगे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, एक पॉइंट दिए हैं, यहाँ पे एक पॉइंट दिए हैं, दीवार कटिंग हो गया है ग्राइंडर से, और चेनी और हथौड़े की सहायता से इसको ये फोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए, हम 6 मॉडल बोर्ड दिए हुए हैं, यहाँ पे अभी कटिंग नहीं हुआ है, सिर्फ कटिंग हुआ है, इसको फोड़ के निकाला नहीं गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम एक पॉइंट दिए हैं और मार्किंग पहले से हम लगा दिए हैं, ताकि ग्राइंडर चलाने में इन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। चौक के माध्यम से हम इसको मार्किंग कर दिए कहाँ पे कौन सा पॉइंट रहेगा। अब जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, एक होल्डर का पॉइंट बना के और मार्किंग लगा दिए हैं, ताकि इन लोगों को काटने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से ये लोग काट सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ग्राइंडर चला रहे हैं और यहाँ पे हम 16 MCB बॉक्स दे रहे हैं। 16 MCB बॉक्स के लिए ये दीवार कटिंग करेंगे। देखिए ग्राइंडर कितने सावधानी पूर्वक चला रहे हैं, ऐसे सावधानी पूर्वक चलाना है ग्राइंडर को। देखिए ऐसे सावधानी पूर्वक ग्राइंडर को चलाना है। यहाँ पे हम 16 MCB बॉक्स देंगे और यहाँ पे जो मेरा मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, मेन सप्लाई, मेन पावर बोर्ड रहेगा, यहाँ पे मेन बोर्ड रहेगा, यहाँ पे MCB बॉक्स हम 16 दे रहे हैं। देखिए कितने सावधानी पूर्वक आसानी से काट रहे हैं। देखिए कितने अच्छी तरीके से कटिंग कर रहे हैं, एकदम सीधा ग्राइंडर चला रहे हैं। ये हमारा दीवार जब कटिंग हो जाएगा तो हैमर और सिज्जल की सहायता से इसको फोड़ के निकाला जाएगा। जैसे ये हमारा हॉल हो गया, तो हॉल में एक पॉइंट इधर दिए हैं। अब आइए हम आपको ले चलते हैं रूम में। रूम में आते हैं गेट पे, एक हमारा 12 मॉडलर बोर्ड रहेगा यहाँ पे। देखिए इसको हम पहले से मार्किंग लगा दिए हैं, ताकि काटने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, वहाँ पे एक पॉइंट हमारा रहेगा, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे रहेगा, और वहाँ से कटिंग होकर जैसे मार्किंग आप देखे हैं,
ऐसे आके नीचे सिक्स मॉडल बोर्ड एक लग जाएगा और यहाँ पे एक पॉइंट है मेरा। आइए आपको हम नेक्स्ट रूम में लेके चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम गेट के पास आए तो यहाँ पे एक हमारा 12 मॉडलर बोर्ड है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है और सिक्स मॉडल बोर्ड के लिए हम देखिए यहाँ से काट के यहाँ पे एक जो मार्किंग किए हैं यहाँ पे हम सिक्स मॉडल बोर्ड देंगे। ये हमारा सीनरी हो गया। देखिए जीना के पास आए और जीना के पास हम एक ये हमारा दो स्टेप में यहाँ से जीना है। देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे एक सिक्स मॉडल बोर्ड है और जीना के साइड एक सिक्स मॉडल है। इन ट्यूबे का कनेक्शन यहाँ पे करेंगे